मामला रायबरेली की विकासखंड अमावा ग्राम पंचायत चोपुरा का है, जहां पूर्व प्रधान व उनका परिवार आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर और आमरण अनशन पर बैठ गया, जहां उन्होंने बताया हम लोगों ने पंचायत भवन एवं दो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अवशेष भुगतान के संबंध में 1 फरवरी 2022 से अब तक खंड विकास अधिकारी, अमावा मनरेगा उपायुक्त, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला अधिकारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग लखनऊ के समक्ष उपस्थित होकर कई बार शिकायत किया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके विरोध में 12 अक्टूबर 2022 को जिलाधिकारी कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन करके फिर से कार्रवाई और भुगतान न होने पर हम लोग पुनः 17 अक्टूबर 2022 को अपने परिवार के साथ भूख हड़ताल और आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हैं। जहां पीड़ित ने बताया हमारा जो भुगतान है लगभग 32,700 जो अभी तक हम लोगों के द्वारा कराए गए कार्य का भुगतान नहीं कराया। पीड़ित ने बताया DPRO को हमने कई बार इसकी सूचना दी लेकिन अभी तक हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ। हमने इसका हलफनामा भी दिया लेकिन बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि हम लोगों को आश्वासन देकर केवल टाल मटोल किया। इस दौरान आमरण अनशन पर बैठे परिवार के पास पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट मिश्रा और खंड विकास अधिकारी, जहां उन्होंने पूर्व प्रधान के परिवार को सांत्वना देते हुए भुगतान दिलाने की बात कही। फिलहाल अब देखना है कि परिवार को उनके द्वारा किए गए कार्य का भुगतान मिलता है या आमरण अनशन पर बैठने को पुनः मजबूर होना पड़ेगा। आशु श्रीवास्तव, मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ, लखनऊ।